मैं फिर आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले, क्योंकि द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन इन रिसर्च मेथडोलॉजी इज फाइंडिंग द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम नहीं मिलता, फिर आप ये देखते हैं कि अगर ये मैंने प्रॉब्लम ढूंढ लिया है तो वो उस पर ऑलरेडी इतनी रिसर्च हो चुकी हुई होती है. ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग ये करें कि आप रिसर्च के लिए अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उससे रिलेटेड आप पेपर करें. देन इंशाल्लाह ताला आई विल रिक्वेस्ट सर अली के अगर हम एक क्लास इकट्ठी कंडक्ट करें, उसमें हम बैठ के आपको बताऊं हाउ टू रीड द रिसर्च पेपर. अगेन इट्स एन आर्ट. देखें, जो रिसर्च पेपर को स्टडी करना भी एक आर्ट है. ये नहीं होता कि आपका एक लेंथी रिसर्च पेपर है, आप उसी को पढ़े जा रहे हैं, उसी को पता चलेगा कि दो हफ्तों में आप दो रिसर्च पेपर खत्म किए. नहीं, वी विल टीच यू हाउ टू स्टडी रिसर्च पेपर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. तो ये ब्रीफ सा आज के बारे में था. तो हम अपने आई विल एडवाइस यू कि आपका जो पेपर है ये ज्यादा से ज्यादा 8 पेजेस का होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. ओके, ये जो आईडी नंबर 68 है आपका है कि यू हैव गिवन 5 टॉपिक फॉर ईच सब्जेक्ट. ठीक है, अच्छा, अगर उन्होंने ऑलरेडी आपको 5 टॉपिक्स दिए हैं, एक क्या आप अपने 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक मेरे साथ शेयर कर दें, इसमें लिख दें, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि उन्होंने किस लेवल का आपको टॉपिक दिया. क्योंकि टॉपिक इज समथिंग एल्स और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स. ठीक है ना? अब अगर हाँ, अब देखें, आपने लिखा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स. ठीक है जी, अब इसकी किस डायमेंशन को आपने टच करना है? नाउ दैट इज द प्रॉब्लम ना. यू डोंट हैव टू देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसे एंड अ रिसर्च पेपर. मैं फिर आपको बता रहा हूं कि रिसर्च है ना, यू हैव टू सर्च समथिंग. अच्छा, देखिए, जो रिसर्च मॉडल्स आपने कंस्ट्रक्ट करना है, मैपिंग दिस मॉडल इनटू अ रिसर्च पेपर. नाउ दैट इज, देखिए, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि दिस इज व्हाट इज नोन एज अ रिसर्च. कि आपको बेसिकली, तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में या प्योर एकेडमिक वे में देखें, आप अपनी फील्ड में जब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं और यू आर वर्किंग इन योर फील्ड, थिंग्स डू नॉट मूव वेरी स्मूथली. There are few irritants, small impediments होते हैं. अब किसी एक impediments को deal करना वही research हो गया. ठीक है, अब आपको हम यही दे सकते हैं कि जी ये जो आपका quality matrix है, इस पे software quality matrix पे आप research करें, आपने इसकी कोई dimension ढूंढनी होगी. ठीक है, अब उस dimension को आप देखें, उस dimension को जो आप टाइप करेंगे उससे related research paper आपके पास आएंगे. अच्छा, आईडी 09, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक और नाउ डेट आई थिंक सो के इट इज अ टॉपिक ऑफ द टाइम और ये मार्केट का टॉपिक है. ठीक है ना? क्या, और पीपल आर गोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन पे जा रहे हैं. आप वायरलेस कम्युनिकेशन की जो अप्लीकेबिलिटी है, इसकी एप्लीकेशंस है डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी, आप इसको एजुकेशन में भी ले सकते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी बहुत बहुत सारे जो स्कूल्स हैं उनकी चेन्स हैं. ठीक है, अब आज मैंने एक सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा था तो हमें पता चला कि जी हमने हर स्टूडेंट को एक आईडी दे दी है. अब उस आईडी में नोट्स, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर. Even कि अगर वो फीस नहीं पे करेगा तो हम उसकी आईडी ब्लॉक कर देंगे. नाउ आप ले सकते हैं इसका क्या कहते हैं
efficacy of a communication system that to wireless communication in education, in education industry कह लें या education sector कह लें. Model आप अपना ये virtual को भी उठा सकते हैं. अगर virtual का नहीं उठा सकते तो आप यहाँ पर कोई भी school की chain है उसका एक model उठा सकते हैं. अच्छा zero, अच्छा आपका है interest in cloud computing. Again अब ये देख लें, मैं फिर वो कह रहा हूँ ना कि देखें क्लाउड जो कंप्यूटिंग है ये अब ये हर फील्ड में है. अब आप इसकी कंपैरिजन उठाएं, आप इसको बैंकिंग में लेके जाना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में ले जाए, जहां पर ले जा सकते कहां कर सकते हैं. हाउ टू कंज्यूम बैटरी इन अ कंप्यूटेशन, ठीक है इसको भी किया जा सकता है. ठीक है ना, अब इसमें ये देखें आप अपना टॉपिक इसमें गूगल सर्च बार में देखें और पीडीएफ आप ये देखें तो किस तरीके से इसको किया जा सकता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो देखें हम ये चाह रहे हैं कि आपको एक तो पेपर के जो लेआउट है वो समझ में आए. जब आप दो तीन पेपर से गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा के पेपर का लेआउट कैसे होता है. ठीक है ना, देन वी विल नैरो डाउन योर टॉपिक, उसको नैरो डाउन करेंगे कि ये आप अपना किस पे करते हैं. इंशाल्लाह ताला राइटिंग वन और टू पेपर आप लोग इंशाल्लाह ताला यू विल कम द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट. ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट, तो ठीक है नहीं तो मैं सर अली से कहूंगा कि हमारी एक क्लास अरेंज करवा दें तो उसमें हम देख लेंगे. अगेन देखें एक चीज याद रखिएगा, रिसर्च ऐसे नहीं होगी वाइल स्लीपिंग. जी आप 09 यू में आस्क क्वेश्चन. अच्छा it is necessary to explain the application of a new draw mathematical model. Naturally aapne dekhe aap koi bhi model banate ho to uski it has to be applicable somewhere, abstract nahi hoga. Even it is abstract aap ye kahenge ki jab ye apply hoga to hame iski kya एफिकेसी कितनी होगी. सर आई हैव द क्वेश्चन प्लीज. सर आई हैव द क्वेश्चन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. ये बोलिए, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है रेफरेंसेस के नीचे यू कैन ऑन योर एलएमएस अकाउंट. यार आपकी ना आवाज अभी अभी यार एक प्लीज यू कम अगेन 09 बिकॉज़ आपकी ना थोड़ी डिस्ट्रक्शन आई है. प्लीज यस सही जी सर आप कैरी ऑन कीजिए. स्टूडेंट्स आप काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अभी इसको कल को वीडियो मोड पे लेके जाना है, आप सबकी वीडियो, टीचर्स की वीडियो. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेट अप तो बहुत इजी है, जोंग का 4G, वारद का LTE, या अगर आपके इलाके में टेलीनॉर का 4G आ रहा है उसका 1500 का जो पैकेज है इट्स मोर देन एनफ. और ये आपको 10 से 15 MB डाउनलोड दे रहा है, 7 से 8 MB अपलोड दे रहे हैं. काइंडली जहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जिनके घर में तो अच्छा कनेक्शन है, फाइबर आया हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ है या 4 MB तक है, ओके. जिनके पास नहीं है काइंडली वो या तो अपने मोबाइल में पैकेज एक्टिव कर लें, हॉटस्पॉट बना लें, तो वरना हमें थोड़ी सी क्लास में प्रॉब्लम होगी. तो ये आपकी आसानी के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कीजिए. अब देखिए हमारे पास माशाल्लाह इस टाइम दीपालपुर से, हैदराबाद से, मुल्तान से, कराची से और बहुत सारे और शहरों से, लाहौर से स्टूडेंट हैं
और कुछ स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट भी दो यहाँ मैं देख रहा हूँ जो कुवैत और दुबई से हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से है और इंशाल्लाह हम इस चीज को और एक्सटेंड करेंगे। वी नीड योर सपोर्ट, अपग्रेड योर सेल्फ, अपग्रेड योर हार्डवेयर, ताकि हम इस सिस्टम को आप तक बेहतर से बेहतर पहुंचा सकें। तो अभी कैसे साहब, मैं आपका माइक आई एम गोइंग टू क्लोज। इन द मीन टाइम आपने जो क्वेश्चन करना है सर से टाइप करके कीजिए, ताकि फिर हम इसको सम अप करें। सर ना, आई एम जस्ट वेटिंग व्हाट इज दिस क्वेश्चन। कैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप आए लाइन में, लेकिन सब टाइम में डू हैपन। यू मे राइट योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। बारह जब तक ऐसा अपना क्वेश्चन में बताते हैं अगेन स्टूडेंट के आप सबसे पहले अपना प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर, अगर आप उन्होंने वो दिए हुए हैं टॉपिक्स, टॉपिक्स की आप डायमेंशन देखें कि आप किस डायमेंशन को टच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर वो अपना ट्राई टू डाउनलोड दी रिसर्च पेपर रिलेटेड टू दैट डायमेंशन। If you are facing any problem, you may consult. But again, I will emphasize के देखें रिसर्च आपने करनी है। ये ना कीजिएगा कि आपने सारा बर्डन मेरे पे डाल दें कि सर मैंने की थी, I tried to find out the related research लेकिन नहीं मिली, ठीक है ना। तो आप उसे कीजिएगा। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि where I can get the research paper। देखें इसकी HEC के साइट पे भी पड़ी हुए हैं बहुत सारे रिसर्च पेपर, ठीक है। और इधर क्या कहते हैं, आप सिर्फ गूगल में जाकर स्कॉलर्स में भी जाकर आप दे सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज सिंपली टाइप एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसमें डॉट पीडीएफ कर देंगे तो आपको रिसर्च मिल जाएगी, ठीक है ना। ये है सर, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ एड ऑन में करना चाह रहा हूँ कि बेटा देखें सर का काम या इस क्लास का जो काम है, जहाँ पे और भी टीचर्स आएंगे, यहाँ पे अभी खुरम फानी साहब अमेरिका में हैं, वो इंशाल्लाह आपकी एक रिसर्च की क्लास लेंगे। तो ये हम तमाम लोग रिसर्च के हैं। अब सर टिपिकली टेक्निकल कंप्यूटर्स के नहीं है, इसमें जूलॉजी के बच्चे हैं, जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने आपको फिर अभी आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे जो सबने सबसे पहले कहा है कि रिसर्च इज अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट। हमने आपको रिसर्च का मेथडोलॉजी, उसका फॉर्मेट, उसका पैटर्न, हम वो चीजें बताएंगे। उसके बाद जो टेक्निकलिटीज हैं, उसमें लैब के अंदर जाके आपने टेस्ट करने हैं, उनके रिजल्ट्स लेने हैं, वो सारा कुछ आप खुद से करेंगे या अपने रेलिवेंट जो उस सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे जूलॉजी के यहाँ पे जमील साहब आएंगे, वो आपको उनको रिसर्च नहीं, वो रिसर्च की हुई है डेफिनेटली उन्होंने, लेकिन ही इज नॉट टिपिकली रिसर्च टीचर। लेकिन आपके जो टेक्निकल आपके टर्म पेपर से जो जूलॉजी के या जेनेटिक्स के टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। एम फिल कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास हबीबुल्ला साहब हैं, वो 701 के हैं। हमारे पास और बहुत सारे जो बाकी टीचर्स हैं, नुमान साहब हैं, वो सारे आपको अपने अपने जो सब्जेक्ट हैं, मैथ वालों के लिए जहीर साहब हैं, तो उनके साथ भी इस तरह हमारे सेशंस होंगे। जो टेक्निकल उस सब्जेक्ट की टेक्निकल जो चीजें हैं वो वाले टीचर आपको बताएंगे। हम जो टीचर हैं हम रिसर्च के हैं, हम लोगों ने आपको रिसर्च पढ़ानी है, करने का पैटर्न बताना है, उसके टेस्ट वो चीजें जो सारी हैं इंटरनल, हम टेस्ट करना भी बताएंगे, लेकिन जो लैब टेस्ट हैं और फिजिकल इस तरह की जो चीजें हैं प्योर टेक्निकल, वो आप लोग खुद से अरेंज करेंगे। जी गजाला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सिंपल विच इज स्टूडेंट बेस, इट वाज माय प्रैक्टिस ऑन इट सर, मे आई शो? जी जरूर, आपको मैं गजाला सर, हमारी जो MS15040192 की स्टूडेंट है, ये हमारी CRP है, इस क्लास की हमारी मॉडरेटर है, और उन्होंने माशाल्लाह लास्ट भी ये फोर्थ सेमेस्टर में है और डबल MPhil इनका चल रहा है कंप्यूटर साइंस में भी। और दूसरा उसमें ये है कि गजाला जो है ये काफी टर्म पेपर कर भी चुकी हैं, तो ये कह रही है मैंने एक टर्म पेपर आपको दिखाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल गजाला,
मैंने आपको मॉडरेटर प्रेजेंटर की पावर्स दे दी हैं, नीचे एक आइकन है प्लस का, उस पर क्लिक करें और वो वाली फाइल अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। जी आपको जो टर्म पेपर, अभी जो पेपर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके नीचे प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको एक? नहीं, ये सिर्फ इस टाइम मैंने गजाला को चूंकि मॉडरेटर की पावर्स दी हैं प्रेजेंटर की, उनको नजर आना चाहिए सबके। जी ओके ओके जी जी अच्छा जी गजाला मुझे बताइए कि अगर आपको वो साइन नजर आ रहा है प्लस का, जो इसके नीचे सेंटर में नीचे प्लस का एक साइन नजर आया है, मैं अगर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजूं। Now it is visible. Advanced mobile phone process processes. मैं सर आपको कंट्रोल दे रहा हूँ सर, आप इस पेज को फॉरवर्ड नीचे राइट लेफ्ट एरोज हैं, आप इसको आप मूव कर सकते हैं सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। अच्छा, इफ द ऑथर इज ऑनलाइन मिस्टर जाला, तो इसमें थोड़ा सा जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये स्केची है, ठीक है ना, बिकॉज सॉर्ट ऑफ आपने जो स्टार्ट किया है वो बिल्कुल जिसको कहेंगे बेसिक से किया है, बट यू हैव नॉट आइडेंटिफाई और यू हैव नॉट रिटन दी एम ऑफ योर पेपर। देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें आप लिखते हैं कि दिस पेपर इज एम टू अचीव वर्स्ट, लास्ट लाइन आपने लिखी है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू सर्वे डिफरेंट प्रोसेसर स्ट्रक्चर फॉर सेलुलर टेलीफोन, बट आउट ऑफ दिस व्हाट यू विल गेट इट, ठीक है, ये आपने लाजमी ऐड करना होता है कि जी आपके इस पेपर का ऑब्जेक्टिव ये है और इसके लिए मेथडोलॉजी आपने क्या इस्तेमाल की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो देखें ना, जो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है सॉर्ट ऑफ इंट्रो हो गया, ठीक है ना। अब इसको आ जाता है पोर्टेबल प्रोसेसर ट्रेंड्स। अच्छा इंट्रो दे दिया आपने। अच्छा इसमें दूसरा ये होता है कि जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ऑल्दो इट इज फॉर द स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है, लेकिन फिर भी अगर मेरे जैसा बंदा हु इज नॉट फ्रॉम दिस इस फील्ड का नहीं है, तो उसके लिए आपने जो डेफिनेशंस होती है इम्पोर्टेंट वो लाजमी लिखी जाती हैं। इसके जो डिफरेंट डेफिनेशंस जो आपने यूज की हैं फॉर द कॉमन यूजर वो भी होनी चाहिए, विच इज सीम्स टू बी मिसिंग राइट देयर। ठीक है जी। अच्छा फिर नहीं, अब इसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि स्टेट ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू स्मॉल, इंट्रोडक्शन इज टू स्मॉल, ठीक है ना। आप ये देखें
आपके इंट्रोडक्शन में और एब्स्ट्रैक्ट में आई डोंट सी एनी डिफरेंस, ठीक है। फिर आपने अब नाउ जी पोर्टेबल प्रोसेसर, ये व्हाट इज दिस, देखिए इसको आइडेंटिफाई करें ना, पोर्टेबल प्रोसेस आर्किटेक्चर ट्रेंड्स, ठीक है, ये क्या है, किस में आ रहा है। एक मिनट, करंट आर्किटेक्चर्स, नाउ दीज आर दी, देखिए मैं एज अ नॉविस मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पेपर को पढ़ता हूं तो ये आपने जो डिफरेंट लिखा है, ये जो अभी प्रेजेंट है, ये वो है, ठीक है, और डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब इसमें मोबाइल मॉडल्स नहीं, नहीं देखें रजाला, ये तो ये रिसर्च तो देखें, इसमें अगर मैं देखूं तो एज अ नॉविस के मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें आपने किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना, व्हाट यू हैव अचीव आउट ऑफ इट, ठीक है, कि अभी देखें आपने डिफरेंट वो बताए हैं, इन माय हम्बल कैपेसिटी आई थिंक सो it needs to be aligned with the different headings of jo research kiya usse nahi kar raha. Ali, I hope you are online. Do you agree with me? जी जी सर, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और इसमें सर गजाला ये बार बार कहना चाह रही है कि ये मेरा पहली ट्राई थी when I started, वो इसलिए ना थोड़ा अच्छा, अभी तो चौथे सेमेस्टर में, अभी उनको खुद भी आइडिया हो गया, तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने इसी लेवल पे थी इनके, तो मैंने मेरी ये पहली ट्राई थी, तो इसमें डेफिनेटली टीचर्स ने इसको प्रॉब्लम्स इसमें करेक्शंस किए होंगी और चीजें बेहतर हो गई होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ना अभी वही है कि ना एडवांस मोबाइल फोन प्रोसेस, अब देखिए मुख्तलिफ जो आर्किटेक्चर ये अवेलेबल है, क्या ये उन्हीं का कंपेयर, देखिए ना इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड इन द एब्स्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई होनी चाहिए ये चीज का, आप ये पेपर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम अगर मैं एकेडमिक्स में प्योर एकेडमिक्स में बात करूं, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये कंडेंस फॉर्म हो जाती है आपके रिसर्च पेपर की, यानी कि मुझे मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लूं तो मुझे पता चल जाए कि पेपर है इस पेपर अबाउट व्हाट इट इज अबाउट ऑल, कि किस चीज के बारे में, ठीक है ना। अब देखें जो लास्ट थ्री लाइंस है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पेपर इज टू सर्वे डिफरेंट प्रोसेसर, मेरी आई साइट ये, ठीक है ना, कि उसमें है फॉर द सेलर, भाई आप कंपैरिजन आपने ड्रॉ किया, व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट, देखें दो चीजें होती हैं, एक कंपैरिजन होता है और एक जस्टापोजिशन कराती है, ठीक है ना, ये जब क्लास आएगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये कंपैरिजन है कि ये जक्स्टा है, ठीक है ना, कंपैरिजन के लिए इट हैज टू बी इवन इक्वली, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने कंपैरिजन किया है तो आपने उससे कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ किया होगा कि एक आपका जो आर्किटेक्ट ए बी सी एंड डी है, इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, कौन सा मॉडल किसके लिए अप्लीकेबल है, क्या इन चारों के होते हुए एक पांचवें मॉडल की जरूरत है, इट कैन बी योर रिसर्च। आप कहें कि ये अभी मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्ट ये चार वाले मॉडल चल रहे हैं, लेकिन ये चारों में ये जो पॉइंट है ये एड्रेस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वी नीड अ फिफ्थ मॉडल जिसमें ये चीज भी इंक्लूड हो, then it is a research, otherwise तो ये चार मॉडल को उठाकर आपने पेस्ट कर दिया। I tried to be very humble in my words कि जी आपने इन चारों को उठाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, इनसे इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ किया आपने, ठीक है ना, आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करें, आप हमें जो नॉविस है आप बताएं कि ये चार है, हमें चार नहीं, हमें पांचवा मॉडल चाहिए, या ये चार है इनमें से तीन जो है वो सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं, लिहाजा उनको भी खत्म करके हमें दो होने चाहिए, दिस कुड बी योर रिसर्च।
ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड। सर एक नए स्टूडेंट आए हैं 0002, उनसे रिक्वेस्ट है पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद सर उन्होंने प्लेजरिज्म के हवाले से, स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के प्लेजरिज्म वो कैसे चेक करें, क्योंकि ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर्स हैं जितने फ्री दिए हुए हैं अगर हम उनमें अपलोड करते हैं तो वो फौरी तौर पर हमारा डाटा अपने पास स्टोर कर लेते हैं और कल को वो अगेन वो प्लेजरिज्म में ही आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को सर गाइड कर दीजिए प्लेजरिज्म के हवाले से। सर सर मैं वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इसको पूरा इसको बड़ा कर लिया था ना, तो ना आउट फ्रॉम के कौन कहां पे कोई टाइप कर रहा है, मैं दोबारा उसी पेज पे जाना चाह रहा हूं जहां पे मैं था। सर नीचे ए राइट को जहां चैटिंग हो रही है उसके नीचे है लेआउट, वहां पे आप क्लिक करके डिफॉल्ट लेआउट क्लोज कैप्शन इस तरह की ऑप्शन आएगी सर, आप डिफॉल्ट लेआउट डिफॉल्ट पे चला जाता हूं। एक मिनट, अच्छा डिफॉल्ट में अभी आ रहा है डिफॉल्ट लेआउट, इसको सिलेक्ट कर लो। हाँ जी कोई एक मोड चेंज करके वापस, हाँ छह मोड है जी। हाँ जी मैं पहुंच गया। अच्छा जी अभी जो क्वेश्चन था जो सर ने पूछा है कि प्लेजरिज्म से, अगेन बिल्कुल आप लोगों की जो अप्रिहेंशंस है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये मेरे साथ हुआ था जब मेरा अपना पहला पेपर हुआ था, तो उसमें वन ऑफ माय फ्रेंड उससे मैंने रिक्वेस्ट की और मैंने अपना प्लेजर चेक करवाया। जब मैं अपना फाइनल थीसिस जमा करवाने गया तो उन्होंने कहा ये तो ऑलरेडी वो हो चुका है, प्लेजर में आके जो सर अली ने बात की बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ था। देन आप बिलीव करें कि मुझे एच सी जाना पड़ा और उनसे मैंने सर्टिफिकेट लेकर आया कि ये उसी स्टूडेंट की रिसर्च है जिसका ये अपलोड हुआ था। ठीक है, एक तो बिल्कुल आपके अटेंशन को मैं यहाँ पे एंडोर्स करता हूँ। उसका ये है कि इधर बिकॉज मेरे पास अवेलेबिलिटी है टर्न एंड टाउन की, तो मैं चेक कर सकता हूँ, मैं आई कैन चेक नहीं आई कैन हेल्प यू आउट, अदरवाइज हम सर अली को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसकी एक सर्टेन फीस होती है वो आपको अलाउ कर देते हैं और उसमें आप जब पेपर अपलोड करते हैं तो उसमें एक प्रॉक्सी लगती है, हम उसको अगर चेक कर देंगे तो वो पेपर एच ई सी के साइड पे अपलोड नहीं होता। तो उसमें यह है कि सर अली के साथ मैं एक दिन एक मीटिंग कर लूंगा तो इंशाल्लाह ताला वी विल कम आउट विद सम सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन है ताकि हम सर की, वी आर सर थैंकफुल कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे स्टूडेंट्स को टाइम दिया, असल में हम भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग चल रही है पिछले लास्ट दिन, बच्चों के इन सबके एग्जाम्स हैं, किसी का एक रह गया किसी के दो रह गए हैं, तो आज हम पिछले तीन दिन से एक क्लास चल रही है हल्की फुल्की, नए स्टूडेंट ऐड होते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, कल बहुत से नए थे आज और लोग आए हैं, तो वी आर हैविंग 50 स्टूडेंट पर सेशन कैपेसिटी विद आवर सॉफ्टवेयर। और ये सर सारा दिन क्लासेस हो रही होती हैं, मैथमेटिक्स वाले आ रहे होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर साइंस बायो तमाम टीचर्स जो हैं वो बारी बारी इसी सेशन में इसी रूम में आते हैं और लगातार उनके पासवर्ड हैं स्टूडेंट्स के अपने अपने सेशन में, वो अपने पासवर्ड के थ्रू सिर्फ अपने रूम में जाते हैं और वहाँ इस तरह हमारी क्लासेस चल रही हैं सर। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, हम टाइम एंड स्पेस को हम कवर करें इसके थ्रू, जो बहुत दूर स्टूडेंट हैं खासतौर पर वो बेटियाँ जो दूर दराज हैं, जैसे भी सांगला ही स्टूडेंट हैं इसमें, हमारे पास अकबाल से भी बेटी है और हमारे पास दूर दराज के ऐसे यहाँ पे हैं जो ट्रेवल करके अच्छे क्लासेस क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो और ये बात करनी है कि तमाम सर्विस हमारी तरफ से 100% फ्री है सर, हम किसी लेवल पे किसी को भी चार्ज नहीं कर रहे सर। तो मैंने रियली Ali, you are doing a great job. May Allah be with you, or Allah will reward you. ठीक है ना? Human no capacity can reward you. आपके साथ हमारा पुराना ताल्लुक है, you know it. के we both are educationist. ठीक है ना? And wherever education needs us in any capacity, we are there in our humble capacity. Inshallah, Taala, we are with you. आपको जहाँ पर भी कहीं पे भी इन माई हम्बल कैपेसिटी आपको जरूरत पड़ी, यू विल फाइंड मी ओवर देयर। ठीक है,
Now I log out. Thank you very much. Inshallah, see you soon. जी थैंक यू सर जी स्टूडेंट जी रिजाला बिल्कुल आप रिपोर्ट शेयर कीजिए लेट मी गिव यू द कंट्रोल हाँ जी स्टूडेंट प्लेजरिज्म के हवाले से बात हो रही है सब में सबका आपको भी चाहिए था शुक्रिया अदा कर देते आप लोग जस्ट मैंने 7 बजे सर से कहा कि सर 7:15 आपकी क्लास है मेरी आवाज नहीं आ रही हेलो जी स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको जी मेरी आवाज तो आनी चाहिए मैं तो डेडिकेटेड लिंक पे हूँ आप लोगों के लिए ही ये सारा इतना अच्छा जी जी गुड होता है सम टाइम कहीं फ्लक्चुएशन होती है अप डाउन होता है कुछ आपके एंड से कभी मेरे एंड से तो डॉक्टर जाज साहब को मैंने 7 बजे रिक्वेस्ट की हमारे पास शुरू से हमारे साथ टेस्ट हैं और ये भी हमारी तरह लाभ मुआवजा ये चार्जेस नहीं लेते हमने बड़ी कोशिश की है सर को रिक्वेस्ट करने की सर हम आपको पे करेंगे उन्होंने कहा जब आप चार्ज नहीं कर रहे तो मैं क्यों आपसे लूं पैसे इज वेरी नाइस आर्मी से जस्ट अभी रिटायरमेंट उनके एक साल रहता है अभी उनका एक साल शायद रहता है और आर्मी के भी एजुकेशन विंग को देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और रिसर्च में बड़े एक्सपर्ट हैं तो 15 मिनट के नोटिस पर उन्होंने कहा सर मैं फैमिली के साथ हूँ लेकिन मैं आपके स्टूडेंट को टाइम जरूर दूंगा मैं खुद भी आई एम थैंकफुल टू सर एजाज के आप आए इस तरह बेटा इंशाल्लाह एक हमारे और टीचर हैं वो इस टाइम अमेरिका में हैं डॉक्टर खुरम फानी जो गुजरांवाला के लोग हैं या और उनको शायद बहुत सारे लोग जानते भी हों तो वो इंशाल्लाह अमेरिका से आपके साथ होंगे और बाकी जो स्टूडेंट हैं जी गजाला यू हैव कंट्रोल यू कैन शेयर प्लेजरिज्म रिपोर्ट असल में प्लेजरिज्म की सबको टेंशन इसलिए पड़ी हुई है कि सबने छापे लगाने हैं कॉपी पेस्ट करना है आप अपने ईमानदारी से खुद से बना के लिखें तो प्लेजरिज्म की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको तो कोई टेंशन ही नहीं होगी जो आपने खुद लिखा हुआ है उसमें प्लेजरिज्म का क्या खौफ है आपको जी 708 वर्चुअल स्टूडेंट फाइल ब्ला 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 जी आ गया हाँ जी वर्ड काउंट आ गया कैरेक्टर काउंट सबमिटेड जी अच्छा आपका पेज जी जी समीर साहब बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ तसल्ली होती वैसे ही बड़ा मजा आता है जब हम खुद से लिख के बुलाते हम चेक करते हैं वो 19% से कम आती तो बड़ा बड़ा मजा आता है और फिर हम जब किसी से लेके उसको कॉपी मारते हैं तो फिर उसमें तब्दीली करते जाते हैं वो कभी 45 रह जाता है फिर 35 आ जाता है फिर हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मैंने एक थीसिस उठाया और उसका प्लेजरिज्म मैंने आहिस्ता करके खत्म कर लिया जी गजाला हम अगले पेजेस पे जाएंगे कि हम यहीं फंसे रहेंगे अपलोड किया नीचे से पेज भी तो चेंज करें कि मैं कंट्रोल ले लेता हूं चले मैं देख लेता हूं इफ यू वांट मी टू प्रेट ओके नो दिस वन सेफ प्लस ऑब्जर्वेबल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये सीएस 701 अच्छा जी इसको मैं फुल पेज करूं जी ये फुल पेज आ गया अब ये आप टेक्निकली मुझे ही बताते चाहिएगा गजाला के यू कैन कंपेयर द डिफरेंस ये कलर से एंड पे हमारे कलर रिपोर्ट आएगी जी ये कलर रिपोर्ट आ रही है देखते हैं ये पर्पल है जी दिस वन ये कलर रिपोर्ट आ गई जी सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन और सिमिलैरिटी इंडेक्स 1% इंटरनेट सोर्स 1% पब्लिकेशन 0% स्टूडेंट पेपर 0% जी वाह इसका मतलब है आपने खुद लिखा है और इंटरनेट सोर्स ये आपने दिया 1% जो उसमें आया डिफरेंट जी जी माशाल्लाह यू आर गुड स्टूडेंट आई नो आर वी ऑल कम टू नो स्लोली स्लोली अभी बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी कैसर साहब की आनियां जानियां लगी हुई हैं कैसर साहब को अच्छा नेट लेके देना पड़ेगा जी तो इसमें जी कुछ यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया होते हैं 16% से लेके 23% तक प्लेजरिज्म डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं
जैसे हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का शायद 19% है, वो आप अपने अपने टीचर से मेल करके पूछ लीजिएगा कि प्लेजरिज्म की परसेंटेज क्या है। जी समी साहब, और कोई क्वेश्चन? आप बड़ी दूर से एपटाबाद से आप हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो हम आपको क्लास में वेलकम करते हैं और इस तरह हमारे सेशंस चलते रहेंगे। बाकी स्टूडेंट भी है, अदील साहब हैं, और अदील साहब के बिल्कुल साथ वाला जो हम सायर रोल नंबर है 0068, वो भी अगर अपना तारफ करवाइए। जी गुड जी, टर्न इट इन जो है इट्स अ वेरी गुड, और दुनिया में ये स्टैंडर्ड है। मैंने उसका आपका बेहतरीन सलूशन बताया था कि किसी भी अपने टीचर को जिसके पास HEC की एक्सेस है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये मेरा सॉफ्टवेयर चेक कर दें टर्न इट आपके थ्रू। इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर, और तमाम यूनिवर्सिटीज के अच्छे जितने भी टीचर्स प्रोफेसर्स जो रिसर्च से रिलेटेड हैं उनके पास एक्सेस होती है। हमारे पास सेंटर में एक्सेस नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें, बल्कि आप सब यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें कि आपको आप मेल्स डालें। आप ये आपका राइट है, आप MPhil के स्टूडेंट हैं, यू आर पेइंग हैवी फीसिस, कि वो एटलीस्ट 10 ट्राई या 5 ट्राई 4 कुछ आपको सब स्टूडेंट को कुछ ना कुछ ऑप्शन देनी चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, आप 0% पे डाउट में हैं समी साहब? अच्छा, यानी कि आपका ख्याल है कि नहीं मैं इतना ये काफी चल रहा है। ठीक है ठीक है, गुड हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट यहाँ तो फिर यहाँ पे बस चैट में लॉगिन करके कहीं और पहुंचे हुए हैं। जी ये पर्पल जो है, ये पर्पल देखिए, पर्पल में ये हमारा पा गया, ये जो डिटेल दी हुई है ये वाला पैराग्राफ उन्होंने कहा जी प्लेजरिज्म में है। जी कैसे साहब, मैंने जिन दोस्तों के पास मोबाइल में 4G है, आप अगर तो आपके पास तकरीबन तमाम मोबाइल, इवन कि आप क्यू मोबाइल में भी, और अब ये जो है एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन, इसका अब गजाला का माइक आज काम नहीं कर रहा कल की तरह, वरना इसकी अब जी मैं उन स्टूडेंट्स को पहले बता दूं, जी जिनके पास नहीं चल रहा आप अपने सेटिंग में जाइए, वाईफाई में जाइए, उसकी एडवांस सेटिंग में जाके हॉटस्पॉट की ऑप्शन है उसको ऑन कर लीजिए, उसके साथ लॉगिन पासवर्ड होता है, तो आपका मोबाइल जो है स्टार्ट वर्किंग एज हॉटस्पॉट, एक मॉडेम की तरह काम शुरू कर देता है। आप अपने सिस्टम में या लैपटॉप में जहाँ भी हैं वो वाईफाई वहाँ से ईजीली उठा सकते हैं वही लॉगिन पासवर्ड लगा के। अगर आपके पास PC है उसमें आप सिंपल 500 रुपये का USB वाईफाई कार्ड आता है वो उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। जी क्लास का शेड्यूल नॉर्मली 7 to 9 ही है क्योंकि सारे जॉबियन है वो शाम को आते हैं जी। और अभी आ गया था एक क्वेश्चन आया जी 0068, मैंने भी देख रहा था 0068 69, तो अदील साहब हैं। दिल साहब अभी तो टेस्ट क्लास चल रही है, हमायूं साहब नारोवाल से। जी जी गुड हो गया, ठीक हो गया हमायूं साहब, चले अच्छा हुआ आज आपसे हेलो हाय भी हो गई। तो जी आप तो फिर अदील साहब के हमसाये हो गए, इतफाक की बात है, अदील साहब बड़ी दूर से हैं और 6'9" और आप 6'8" जी ठीक हो गया। आप ऐसे करें ना, आप ऑफिस से ही आप लॉग इन करें ना, कल भी हमारी इस टॉपिक पे बात हुई थी, आप अपने यू कैन लॉग इन फ्रॉम योर ऑफिस, अपने लैपटॉप से कर लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन भी हम जल्दी इसकी अरेंज करवा रहे हैं। जी गुड हो गया, बस फिर तो आप क्लास अटेंड की और फिर आप आगे, तो बहुत लेट है कि फिर सब जॉबियन है, मास्टरों ने सुबह सुबह 7 बजे जॉब पे जाना होता है। जी समी साहब आपका माइक ऑन है जी, बात कीजिए, आपकी बात सुनना चाहेंगे हम।
जी आंसर अभी क्वेश्चन बीच में रह गया, नहीं एबटाबाद से आवाज भी बड़ी स्लो आ रही है जी, सॉरी इन दिस, नहीं जी आपका माइक इजाजत नहीं दे रहा आपकी नेट की स्पीड अभी। जी मैं वही आंसर ही, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन था जो हमायूं साहब का, हमायूं साहब नारोवाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और नारोवाल के सारे बच्चे मुझे यही कह रहे होते हैं सर बस कोई और ना अल्लाह के नाम पे एक असाइनमेंट भेज दें, नारोवाल से सबसे ज्यादा असाइनमेंट मांगी जाती है। अच्छा जी आपने कहा था एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन, तो एब्स्ट्रैक्ट कवर द होल पेपर, एब्स्ट्रैक्ट कल ये सवाल हुआ था एब्स्ट्रैक्ट पे बात हुई थी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है खुलासा हम अगर आसान जबान में देखें। मैं फिर कहता हूं कि मैं मुझे पढ़ाते हुए बहुत अरसा हो गया तो हमेशा आप उस जुबान में सीखते हैं जिस जुबान में आप ख्वाब देखते हैं, ठीक है जी। मैं इंग्लिश में भी लेक्चर दे सकता हूं लेकिन मुझे आपके आगे फजीलत वो फसाहत झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा यहाँ बैठने का मेन मकसद है टू ट्रांसफर द नॉलेज, मुझे इसके लिए पंजाबी बोलना पड़ेगी, आई विल गो फॉर दैट, टीचर वही है जो स्टूडेंट के लेवल पे जाके उसको नॉलेज ट्रांसफर करते, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये खुलासा है जो भी इस एक पैराग्राफ पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये पूरे थीसिस के अंदर है क्या। मैं हमायूं साहब आपकी तो बात ही नहीं की, मैं तो नारोवाल की बात कर रहा था ना, आप तो माशाल्लाह मुझे पता है आप हार्ड वर्किंग हैं और जॉब भी आपकी बड़ी टफ है, हमारी आपसे बात भी हुई थी इस टॉपिक पे। अच्छा जी एब्स्ट्रैक्ट इज समरी एंड की पॉइंट, एग्रीड जी। इंट्रोडक्शन में आप बता, इंट्रोडक्शन इज फॉर रीडर टू टेल अबाउट द टॉपिक और स्टार्ट ऑफ द टॉपिक अबाउट, व्हाइल एब्स्ट्रैक्ट इज अबाउट द होल पेपर, जी सिंपल है। इंट्रोडक्शन में बताते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। और मैं दोबारा गजाला का एक हवा में पढ़ने जा रहा हूँ, कल ये माइक खरीद लेंगी, अगर नहीं है तो हमें इनको कोरियर करना पड़ेगा। यू कैन से आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ नेम सब्जेक्ट प्रोग्राम इज माई इंट्रोडक्शन, while about my personality, my routine, my achievement, my problem to get the goals are about my life is abstract. जी ठीक हो गया, इनका तारफ जो होगा वो इंट्रोडक्शन है और इनके जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं या देने हैं या वो टोटल अभी तक जो किया है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हमारे जो मॉडरेटर की लाइफ ऑफ और मॉडरेटर। जी स्टूडेंट्स और कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ें, हम बस 20 मिनट हमारे पास हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। मैं एक और पेपर ऑन करने लगा हूँ जी, गाइडलाइन टर्म पेपर गाइडलाइन। जी गाइडलाइन एंड रिक्वायरमेंट ये 8 पेजेस हैं, मैंने कल भी कहा था इसको प्रिंट करवा लीजिए और दो चीजें आपने और प्रिंट करवा के जहां आप बैठ के स्टडी करते हैं उसके सामने द्वार के ऊपर आपने पेस्ट करनी है, एक एपीए स्टाइल, एपीए राइटिंग स्टाइल। अभी अभी ना इनको शेयर करके आदत डालिए, अभी इनको पहले अपना अपना लिख लेने दें। और जी क्लास का शेड्यूल 7 to 9 है समी साहब, रात को हम 7 to 9 बजे तक यहाँ बैठते हैं और हम यहाँ दानिश कदाब में बैठ के नॉलेज शेयर करते हैं। ये आपका जो असाइनमेंट आई हुई है, ये जो गाइडलाइन है, ये मैं दानिश कदा का जो हमारा ऑफिशियल पेज है वो है असली वीयू के नाम से है, लेकिन उसमें सिर्फ हमारे अपने स्टूडेंट की एक्सेस है, अपने स्टूडेंट्स वो आपको फिर डिस्कस करेंगे इसमें। ये पेज मैं, ये आप उस पर ये वाले जो है आप अपलोड जो आपकी असाइनमेंट है उसके एंड पे लिंक दिया हुआ है, चले मैं उसको आपके सामने शो करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ये ऑन हो जाएगा, ये ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। ये असाइनमेंट जो है तमाम स्टूडेंट को जो टर्म पेपर की असाइनमेंट आई हुई है उसके सेकंड पेज पे ये लास्ट लाइन है, दिस इज गाइडलाइन एंड रिक्वायरमेंट रिसर्च पेपर।
दिस वन जी, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये खुद ब खुद ये ओपन हो जाएगा लिंक जी। लेकिन ये हम मैडम इनको तब देंगे जब ये अपने अपने कारनामे सर अंजाम दे के वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अगर स्टार्ट में इनको टकरे मारने दें, फिर वही मैं सिखाने के लिए चीजें जरूरी हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं। आप अपने तौर पे APS क्या आप कहना चाह रहे हैं, कैसे APS जी, ये अपने तौर पे एफर्ट्स करें, अपना मटेरियल हमारे साथ शेयर करें, एफर्ट करें। देखें मेन मकसद इनको टर्म पेपर में 20 नंबर दिलाना तो है, वो मैं दिलवा दूंगा इनको, वो आखिरी दिनों में आके हमने जो इनको फेवर देनी है दे देंगे। मेन मकसद है कि फोर्थ सेमेस्टर में ये थीसिस करने के काबिल हो जाए, वरना आपको पता है कि थीसिस एक एक साल तक लोगों ने लटकाया होता है। जी कैसा, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। APA स्टाइल जी, APS नहीं है, APA राइटिंग स्टाइल ही गुड हो गया। और APS फॉर्मेट स्टाइल, अच्छा जी, दूसरा जो इस पेपर में उसने हमसे स्टाइल मांगा है वो डेफिनेटली यहाँ दिया हुआ है, दिस वन। इसको मैं अगर आपके लिए मैं इसको जूम करता हूँ जी, यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट स्ट्रिक्टली, ये लिखा हुआ है जी, दिस वन जी, यू must have to follow IEEE format strictly, American Psychology Association का style जो होता है, एक वो style होता है APA style उसको बोलते हैं, वो international standard है, 80% वो ही use होता है, लेकिन यहाँ चूंकि हमने number भी लेने हैं तो ये वाला style कह दिया, इसके नीचे link दिया हुआ है, click here to download, आप इस link पे click करेंगे जी। बिल्कुल दिल साहब, ये रेगुलर क्लास है, ये हमारी स्टार्ट है और ये इंशाल्लाह आपके टर्म पेपर तक रेगुलर चलेगी। अब बीच में डिफरेंट टीचर्स आते रहेंगे, कंप्यूटर साइंस के आएंगे वो अपना करेंगे, फिर मैथ वाले आएंगे, लेकिन यह कि पहले आप लोगों के टर्म पेपर कुछ हद तक बन जाएं, कुछ ना कुछ काम हो जाए, आपको उसकी समझ लग जाए। ये टेक्निकल चीजें जो हैं ये आपको सारी, क्योंकि ये आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं उन्होंने नहीं बतानी, ये आपको हमने बतानी है, ये टर्म पेपर, ये स्टाइल क्या है, कैसे लिखना है, कितना होना चाहिए, क्या है। मैं गजाला जो है मॉडरेटर हैं वो हमें साथ में सपोर्ट करेंगी, और बाकी डिफरेंट डॉक्टर्स आते रहेंगे, प्रोफेसर्स आते रहेंगे, वो आपको पढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट टास्क जो है आपने अपने, कल भी टास्क दिया था, किसी एक ने भी नहीं किया और होना भी नहीं अभी, मैं इसलिए एग्जाम्स की वजह से मैं अभी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बहुत ज्यादा, मुझे स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है समटाइम, आप सारे सीनियर हैं लेकिन टीचर तो टीचर होता है। फर्स्ट टास्क है कि आप अपनी फेवरेट फील्ड के, अभी सिर्फ गजाला इनको कितने दे दें अभी, मेरा ख्याल है कल तक ये अगर दो भी पढ़ लें तो बड़ी बात है, एग्जाम के बाद करें, कोई कोई टेंशन नहीं जी, ठीक हो गया, मैं भी दो ही कहना चाह रहा था। आप आराम से अभी छोड़ दें इसको, 702 की तैयारी कीजिए, वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का वो है, 20 मार्क्स का आपका टर्म पेपर है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो पेपर के बाद आप तसल्ली से नेट से अपने फेवरेट टॉपिक के दो थीसिस, दो टर्म पेपर, दो आर्टिकल ढूंढें, उसको पढ़ें और उसमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढें जिससे आप कहेंगे सर अभी इस पे ये काम होना है, सर ये मुझे कमी लगी है, या और कुछ नहीं इसको भी छोड़ दें, आप सिर्फ उसका एब्स्ट्रैक्ट जो पूरा पढ़ के जो समझ लगी है उसको एक पेज पे आपने हमारे साथ शेयर करना है, वो हम सेंटर में रखेंगे यही सामने जहां पे भी आपको ये नजर आ रहा है पेपर, और जो आपने लिखा होगा वो हम सारे उसको डिस्कस कर लेंगे, आप उसको हमें सिखाएंगे जी मैंने टर्म पेपर से ये सीखा, दो की बजाय एक एक ही कर लें तो बड़ा है, उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे। उसने कहा जी फाका ना हो तो खुराक बढ़ाते चले जाएं, तो हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे जी। स्टूडेंट अभी जैसे ही काम मिला स्टूडेंट भागना शुरू हो गया बीच में से जी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स,
जी जी कौन करेगा इसको, कुछ कर लेंगे अभी जी। मोबाइल के लिए अभी हमने उसको किया है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोबाइल जो है इसमें हैवी अपलोड्स हैं, वीडियो साथ चल रही होती है, जावा एप्लेट्स चल रहे होते हैं और फ्लैश चल रहा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है जी। मैं आपकी आवाज़ ऑन नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी मेरे तक। आपकी आवाज को कुछ करना पड़ेगा जी। गोयाई के लिए हमें एक माइक अरेंज करना पड़ेगा जी। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफी है, कुछ स्टूडेंट्स के पेपर भी हैं जी। वेलकम जी, हम आपके लिए कर रहे हैं, और आप इससे फायदा हो, अच्छे मार्क्स से आप अच्छी डिग्री लें, हमें बहुत खुशी होगी। यू ऑल आर वेलकम जी, इट्स योर्स क्लासरूम, सीखें, नॉलेज शेयर करें जी। बिल्कुल जाएगी, आप अभी ऑन कीजिए ना आप अपना। मैंने मैं समी साहब, ये मैंने आपका माइक ऑन कर दिया और अपना माइक मैंने बंद करने जा रहा हूँ।